The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हम बात कर रहे हैं वही MRI में स्टील का रॉड, पैर में लॉड, लोहे का रॉड, स्टंट लगे हुए हैं, हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है या कहीं पे कोई छल्ला लगा है, डीजे स्टेंट है या बॉडी में कोई ऑपरेशन हुआ है। क्या हम MRI करा सकते हैं कि नहीं? दांत में मान लो लोहे का दांत लगा हुआ है, स्टील का दांत लगा हुआ है, उड़ तो नहीं जाएगा? गोल्ड का दांत है, उड़ तो नहीं जाएगा? बिल्कुल वैलिड सवाल है और बहुत केसेस होते हैं। MRI मैंने जैसे बताया आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है और मैग्नेट के लिए आपके MRI के रूम में चारों तरफ कॉपर वायर से जो भी तरीके से मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं, बहुत खतरनाक मैग्नेट होता है वहाँ पे। इतना खतरनाक मैग्नेट होता है कि लोहे का बेड अगर उसके आधा भी अंदर चला गया तो बेड को खींच लेगा और मशीन में टप से जाके चिपक जाएगा, फिर नहीं निकलने वाला बेड। फिर आपको पूरी की पूरी उसकी मैग्नेटिक रेजोनेंस बंद करनी पड़ती है। इट कॉस्ट करोड़ों रुपए लगते हैं उसके सेटअप को और फिर बंद करके चालू करने को। तो इसीलिए MRI के अंदर लोहे की या मैग्नेटिक वाली कोई भी चीज जो मैग्नेट से खींची जा सकती है वो नहीं लेके जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज मैग्नेटिक होती है। स्टील ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक नहीं होती कई बार, राइट? अगर प्योर हो, इम्प्योर हो, थोड़ा आयरन घुसा हुआ हो तो वो आयरन खींच लेगा। MRI का बेसिस ही यही है कि आपके खून में आयरन है तो आपके खून में प्रेजेंट आयरन को वो हिला के देख लेता है ऐसे ऐसे कि आपका पूरी बॉडी में कहाँ कितना खून है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस चीज की इमेज बना देता है वो। सोचिए, आपके खून में आयरन है, आयरन हिलेगा। वही खून आपके हर एक ऑर्गन में, हर एक मांसपेशी, हर एक टिश्यू, हर एक सेल में है और जिसमें जितना ज्यादा खून है वो ज्यादा हिलेगा। खून की नस में तो सबसे ज्यादा खून है तो वो और ज्यादा हिलेगा, इसलिए खून की नस थोड़े से डार्कर कलर, अलग कलर की दिखेगी और जो जिसमें कम कम खून है वो थोड़े अलग अलग शेड्स में दिखेगा। इस तरह से MRI हाइड्रोजन आयंस और इस आयरन के हिलाने की वजह से, आयनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से हिलता दिखता है। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो महंगा भी होता है। इतना बड़ा सेटअप रखना पड़ता है, इतना खतरनाक सेटअप होता है और इसीलिए आपको कोई भी लोहे की चीज लेके उसमें नहीं जा सकते। तो अगर आप लगवा रहे हो कोई भी लोहे की चीज, कोई रॉड, कोई ये, तो डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या इसके साथ MRI कर सकते हैं। अगर आप लगवा चुके हैं तो डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या मैं इसके साथ MRI कर सकता हूँ। आप पूछ लो कौन से कंपनी का था, क्या था। कई पुराने जमाने में बेयर मेटल स्टेंट आते थे, अब भी ऐसे स्टेंट आते हैं, छल्ले आते हैं दिल के, जिनके साथ बिल्कुल आप MRI कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता। ऑब्वियसली आपने डॉक्टर से पूछिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। पेसमेकर में भी ऐसी दिक्कत होती है। पेसमेकर में दिक्कत है, पेसमेकर को लेके आप MRI में चल जाएगा तो पेसमेकर कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, राइट? पेसमेकर बंद हो जाएगा क्योंकि पेसमेकर को जब चेक किया जाता है तो मैग्नेट लगा के चेक किया जाता है। ऐसे मैग्नेट ऊपर रख दो, पेसमेकर थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। अगर पेशेंट पूरी तरह से पेसमेकर पे डिपेंडेंट है तो वहीं उसको बेहोशी का या जो भी हार्ट रेट कम हो जाता था पेसमेकर के बगैर वो फिर हो जाएगा, फिर अटैक आ सकता है। इसलिए ये दिक्कत वाली चीज है कि पेसमेकर वाले पेशेंट को देख के अंदर भेजा जाता है सोच के। और पेसमेकर वाली मशीन वाले कंपनी से, डॉक्टर से आपको पूछना है क्या ये पेसमेकर MRI कंपैटिबल है या नहीं। MRI कंपैटिबल पेसमेकर आते हैं अब, पहले नहीं आते थे, अब आते हैं। पेसमेकर भी महंगे होते हैं, 4-5 लाख के आते हैं, जी हाँ, अच्छे खासे महंगे होते हैं, राइट? सो MRI इज इम्पोर्टेंट टेस्ट सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कितना ब्लड जा रहा है आपके टिश्यूज को, राइट? और सोचो अब जब सब जगह ब्लड जा रहा है तो ऐसी कोई जगह जहां ब्लड नहीं जा रहा है वो भी दिखेगी, वहां अलग से दिखेगी। सो इसलिए MRI एक अच्छी स्कैन टिश्यू है, स्कैनिंग मेथड है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोलॉजी में। सॉफ्ट टिश्यू, न्यूरोलॉजिस्ट को तो ब्रेन को देखना, वहां तो हड्डी नाम की चीज नहीं, तो उनको तो सॉफ्ट टिश्यू देखना ही देखना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग MRI, एंड MRI नीड्स वेरी बिग प्रिकॉशंस इन चीजों के लिए। तो आपके बॉडी में अगर मान लो लोहे का दांत भी है तो आप ना कराएं। मान लीजिए कोई स्टील का दांत है, आपको पता नहीं है स्टील है नहीं है तो ना कराएं। उसमें मैग्नेट लगा के देख रहे खींचा तो नहीं जा रहा थोड़ा सा, जस्ट किडिंग, बट देन यू हैव टू बी कॉशियस। सो दैट इज ऑल MRI के ऊपर और रेडियोलॉजी के ऊपर, राइट? एज यूजुअल आपके पास कोई भी सवाल है जरूर लिखे, वी आर हेयर टू आंसर, वी आर हेयर टू ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेरीज। MRI में कोई रिस्क नहीं होता है किस चीज का, परमानेंट डैमेज हो जाने का, सिवाय इसके जो बताया। सीटी स्कैन में रेडियोलॉजी एक्सपोजर हो रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, एक्सरे में रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, तो आप रोज रोज सीटी स्कैन नहीं करवा सकते, वो एक चीज है। कभी कभी जरूरत पड़ेगी, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, जिंदगी में 3 बार 4 बार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग में प्रॉब्लम, सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट डाल के सीटी स्कैन किया जा सकता है, एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट डाल के सीटी स्कैन किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग में कॉन्ट्रास्ट के साथ रिएक्शन हो सकता है, बॉडी एलर्जिक हो सकती है, कॉन्ट्रास्ट का रिएक्शन किडनी पे हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, सॉरी। इसी के लिए इस टेस्टों के पहले, कॉन्ट्रास्ट स्टडी से पहले आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, वो जरूरी। सो दैट इज ऑल अबाउट MRI, CT scan, radiology. I hope you understand. As usual, thank you so much for watching. Do ask your questions.